और इस हंगामे के बाद उत्तर कोरिया ने एक बयान जारी करके इस बात का ऐलान कर दिया कि उसने अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो इसमें असफल रहा। उत्तर कोरिया की सरकार ने यह स्वीकार किया कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने का उसका मिशन फेल हो गया और सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक ले जाने वाला उसका रॉकेट समंदर में जा गिरा। हालांकि दूसरी तरफ जापान लगातार किम जोंग उन पर बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग का आरोप लगा रहा है। जापान का यह आरोप है कि किम जोंग उन बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की बात को सैटेलाइट लॉन्चिंग कहकर दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनका प्लान बहुत खतरनाक हो सकता है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ये रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले 3 मई को मॉस्को में राष्ट्रपति भवन पर 2 ड्रोन से हमला बोला गया था। उस वक्त भी रूस ने सीधे यूक्रेन पर ही हमले का आरोप लगाया था। हालांकि इस हमले को वक्त रहते नाकाम कर दिया गया था, लेकिन इस बार मॉस्को पर जो हमला हुआ उसने पुतिन की नींद उड़ा दी, क्योंकि सुबह के वक्त ही मॉस्को एक के बाद एक हुए कई धमाकों से दहल गया। मॉस्को पर हुए ड्रोन अटैक के कई वीडियो भी सामने आए, जिनमें एक वीडियो में धमाकों की वजह से घबराए लोग सड़क पर खड़े दिखाई दिए, जबकि मॉस्को और उसके आसपास के इलाके में आसमान में कई ड्रोन उड़ते नजर आए। हालांकि उनमें कई ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया गया। रूस के मीडिया के मुताबिक मॉस्को पर करीब 25 ड्रोन ने धावा बोला, जिनमें 13 ड्रोन मार गिराए गए, लेकिन कुछ ड्रोन अटैक करने में कामयाब रहे और उन्होंने 2 इमारतों को नुकसान पहुंचाया। मॉस्को के मेयर के मुताबिक इन हमलों में 2 लोग घायल हो गए। मॉस्को पर हुए इस हमले की खबर जैसे ही यूक्रेन पहुंची, वहां के मीडिया ने इसे रूस की ही सोची समझी साजिश बता दिया। यानी इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया गया और वहां के मीडिया ने दावा किया कि मॉस्को पर ड्रोन हमले को रूस की खुफिया एजेंसी ने ही प्लान किया था। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक जिस तरह से रूस की राजधानी पर हमला किया गया, उससे ये साफ हो गया कि ये रूस की ही साजिश है, क्योंकि इतने सारे ड्रोन ने एक साथ हमला बोला लेकिन वहां की सिर्फ 2 इमारतों को मामूली नुकसान पहुंचा। यानी ये ड्रोन हमला बहुत सोच समझ कर किया गया। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि मॉस्को यूक्रेन की सीमा से 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर है और यूक्रेन के पास इतनी दूर तक जाकर हमला बोलने वाले ड्रोन है ही नहीं। यानी यूक्रेन अगर रूस की राजधानी को निशाना बनाने की सोच भी ले तो वो ऐसा कर नहीं पाएगा। रूस के मीडिया ने दावा किया कि मॉस्को अगर UJ-22 नाम के ड्रोन से हमला किया गया तो जो 800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन को यूक्रेन की कंपनी बनाती है जिसका दफ्तर कीव में है। यानी रूस के मीडिया ने यह साबित करने की कोशिश की कि मॉस्को पर हुए सबसे बड़े हमले के पीछे यूक्रेन ही है और वहीं बने UJ-22 ड्रोन ने मॉस्को की इमारतों को निशाना बनाया। रूस के मीडिया के मुताबिक जिस UJ-22 ड्रोन से हमला बोला गया वो 800 किलोमीटर तक उड़ान भरकर वार कर सकता है। इसके साथ ही ये ड्रोन 20 किलो तक विस्फोटक ले जाने में भी सक्षम है और इसी ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन ने मॉस्को को दहलाने के लिए किया। हालांकि अगर रूसी मीडिया के इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये रूस के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है, क्योंकि अगर इतनी लंबी दूरी तक वार करने वाला ड्रोन यूक्रेन के पास मौजूद है तो वो रूस की राजधानी मॉस्को को आने वाले वक्त में भी निशाना बना सकता है। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है रूस और यूक्रेन में छिड़ी हुई जंग से जुड़ी हुई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। दावा उन्होंने किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद आम लोगों को मारने की प्लानिंग की थी। पुतिन ने आरोप ये लगाया कि यूक्रेन के आम लोगों को निशाना बनाने के लिए अपने ड्रोन भेजे थे।